तो यार ये देख लो, ये है गौरी कुंड। निकल आगे। यहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। अब बर्फ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। ये करीब 6 किलोमीटर हो चुका होगा ट्रैक का। तो यार आपको उस टाइम समझ नहीं आया होगा, वो जो नदी आप नीचे देख रहे हो वो नदी वहाँ तक थी। आप समझ लो पानी कितना, ये सब पूरा पानी में, जलमग्न था सब कुछ, पूरा पानी पानी में था। और मैं अपना शक्ल दिखाऊं तो मेरी बैंड बच चुकी है, पर कोई बात नहीं, भोलेनाथ सबके साथ। देखो ट्रैकिंग एक आर्ट है और उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता छोड़ के हम जा रहे हैं शॉर्टकट से। इजी था यार, मैं बेकार ही उस पर चल रहा था, डायरेक्ट जूते रख सकता था नीचे। अभी ऊपर सब कुछ दिख रहा था, अभी ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, कल क्या हुआ था, कल मौसम ख़राब हो गया था और मैं सो भी गया था जल्दी, और उसके बाद शुभम आया 8:30 के करीब, वो मेरा वेट कर रहा था नीचे। और अभी सुबह हो गई है, 5:30 बज रहे हैं। तो यार जब आप केदारनाथ यात्रा करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत होगी रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सुबह उठ उठ के लोग बोलेंगे 3 बजे चले जाओ यार यहाँ पे आ जाओगे, या जितने भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पे आ जाओगे। हमने भी यही किया, हम 3 बजे करीब आ गए उठ के यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 4:45, और मैं आपको बता रहा हूँ उठ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर लेना ऑनलाइन। उत्तराखंड टूरिज्म की मोबाइल एप्लीकेशन आती है, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगा, फिर आराम से 6-7 बजे आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम वापस चल रहे हैं घर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस जे व्लॉग्स। अगर आपने पिछले वीडियो हमारी देखी है तो आपको पता चलेगा कि अभी हम आए हैं केदारनाथ यात्रा में। हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से केदारनाथ यात्रा, मेरे साथ है बॉन्ड बाइकर शुभम भाई। तो अभी फिलहाल क्या करना है, अभी घर चलते हैं बिल्कुल एकदम, और वहाँ से पैकिंग करते हैं, फिर निकलते हैं 7-8 बजे तक निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो यार अभी हमने प्लान किया था कि नहा के जाएंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, तो नॉट पॉसिबल बॉस। बाकी अभी क्या करा है कि सब सामान यहाँ पे रख दिया है, और कैमरा गियर्स और एसेसरीज मैंने अपने टैंक बैग में रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे सारे कैमरा गियर्स, और ड्रोन भी रखा है मैंने, देखते हैं मौका मिला तो उड़ा लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और बैटरी इसकी 2 है, GoPro की 2 है, तो व्लॉग तो आएगा ही आएगा। तो यार अभी मैंने कैमरे को स्विच कर लिया GoPro से, हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम आए, लेकिन इसमें क्या है कि आप फटाक से व्लॉगिंग हो सकती है, इजी टू हैंडल है, और कैमरा बार बार निकालना, उसमें बैटरी भी कम है, तो मैंने सोचा फ़ोटोज़ के लिए रखा जाए उसको। सांस अभी से चढ़ने लग गई। तो अभी जिस जगह पर हूँ मैं, इसका नाम है सीतापुर, और इसके बाद आएगा सोनप्रयाग, वहाँ से बस लेंगे, बस लेके फिर चलेंगे आगे। तो यार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बहुत सारा भंडारा लगा हुआ था, तो अभी मैंने एक भंडारे से हलवा खाया थोड़ा सा। बाकी जो आप जाम देख रहे हो ये इसलिए है क्योंकि लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लोग लगा के चले गए। तो यार जाम के कारण मैंने भी अपनी बाइक यहीं पे लगा दी है वहाँ पे। ये देख लो यार, ये भीड़ है ये रजिस्ट्रेशन कराने की। तो यार अभी ये जो लाइन आप देख रहे हो ये पूरी लाइन है टैक्सी के लिए। यहाँ से हम जाएंगे पहले गौरीकुंड और उसके बाद जाएंगे, वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो टैक्सी के लिए लाइन लगाया, करीब आधा घंटा हो गया यार खड़े हुए, और मुझे लग रहा है 1.5 घंटा और लगेगा यार। यार आप जो देख रहे हो, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, इसको कहते हैं सोनप्रयाग का संगम। तो यार जैसे मैंने बताया कि ये संगम है, तो एक मंदाकिनी रिवर है और एक वासुकी गंगा है, इन दोनों का संगम हो रहा है और फिर एक मंदाकिनी नदी बन के जा रही है। तो यार इससे पहले वाले सीन में जो आपने देखा था वो 1 घंटे पहले का था, और अभी 1 घंटे बाद का सीन है, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ अभी तक, बस पीछे लाइन पड़ गई है, तो अभी और टाइम लगेगा आगे जाने में, मुश्किल है कि आज दर्शन करके वापस आ पाएंगे, देखते हैं। तो यार ये वो लंबी लाइन अब ख़त्म हो गई है, अब हम आने अब हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, डेस्टिनेशन बोले तो हम टैक्सी की सवारी करेंगे और गौरीकुंड जाएंगे, और यहाँ खड़े खड़े 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। आप जानते हो मेरे आगे अभी कितने लोग हैं, वहाँ मिल रही है टैक्सी। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये लोग 4 धाम यात्रा पर निकले हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री कर चुके हैं, गंगोत्री भी कर लिया है, अब केदारनाथ जा रहे हैं और फिर जाएंगे बद्रीनाथ। तो आप लोगों के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो
तो यार फाइनली 3 घंटे के आसपास वेट करने के बाद अभी टैक्सी में बैठ चुका हूँ मैं। अभी यहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड चलना है और 5 किलोमीटर के 5 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो टैक्सी कुछ इस तरह की है, देख लो आप, करीब 4-8-10 बंदे प्लस एक ड्राइवर, 11 लोगों की टैक्सी। ओम नमः शिवाय। क्या बोल। तो यार ये देख लो, ये है गौरीकुंड, यहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। भैया भैया आप वहाँ तक जाते हो, केदारनाथ तक क्या लेते हो? बच्चा किसको ले जाते हो आप लोग? बच्चे को ही ले जाते हो? सबको नहीं ले जाते? बड़े को, छोटे को, बुजुर्ग को, सबको लेते हैं। कितने पैसे लेते हो? देख के होता है रोड के हिसाब से। कितने पैसे ले हम दोनों को? अब दोनों को, हाँ दोनों का भाई जी लग जाएगा 13-13 हज़ार जाने आने का। शाम को उधर रुकेंगे, सुबह आएंगे। तो आज मुझे एक बात पता चल गई कि मंसूर अली खान बहुत पैसा कमाता था। 13,000 रुपये मांग रहे थे वो एक बंदे का आने जाने का। सही खेल गया मंसूर। बाकी यहाँ से आप देखो ऐसा जा सकते हो कि आप वो पीठ वाली सवारी, या तो हेलीकॉप्टर, या फिर पैदल। तो हमने चुना है पैदल का रास्ता। हम थोड़े से एडवेंचरस ज़्यादा हो गए इस बार, देखते हैं कहाँ तक हिम्मत जवाब देती है। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, सुंदरदेव हे महेश्वरा। यहाँ की गलियाँ काफी छोटी छोटी सी है, ये देख लो आप, यहाँ पे कोई गाड़ी तो आ ही नहीं सकती। यार ये चढ़ाई बहुत बहुत ही भारी पड़ रही है। तो यार अभी तक 0.5 किलोमीटर हुआ है, यहाँ से केदारनाथ 15.5 किलोमीटर और है। ओ भाई साहब, एक किलोमीटर हो गया। वो झरना देखो यार, ऊपर से एकदम नीचे से होते हुए आ रहा है। तो यार मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई, तो मैंने एक घोड़ा कर लिया है फिलहाल, और अब इसके थ्रू ही जाएंगे ऊपर। बहुत चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये चढ़ाई बहुत ही मेरे लिए तो मुश्किल है यार। मैंने कभी करा भी नहीं है, ट्राई करा मैंने, 1.5 किलोमीटर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा चक्कर से आ जाएगा, तो मैंने सोचा यार रिस्क नहीं लेना। घोड़े को जब प्यास लगती है अपने आप आ जाता पानी पीने। क्या नाम है इसका? नीला। नीला यार घोड़े को प्यास लगी तो अपने आप पानी पीने आ गया। देखो आपका क्या नाम हो भैया? मेरा नाम है ब्रेश। क्या नाम है? ब्रेश। ब्रेश जी। चलो ये देखो पानी ऊपर से आ रही है। तो यहाँ से मुझे पहली बार ऐसा बर्फ़ दिखा है इस रास्ते में। पहला जो बर्फ़ का दर्शन हुआ वो यहाँ से हुआ है, इस पहाड़ों के बीचों बीच अगर आप देखो तो आपको दिखेगा। और यहाँ से अभी केदारनाथ 14 किलोमीटर है। तो यार महंगाई की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये जो बॉटल बिस्लेरी की नॉर्मल में 20 रुपीज़ का आता है, यहाँ पे 40 का आता है। तो आपको एक सजेशन दूंगा, आप एक काम करना, नीचे से बॉटल ले लेना, यहाँ पानी भरने का बहुत जगह है, तो आप पानी भर के नॉर्मल काम चला सकते हो।
ये जो जगह आप देख रहे हो इसका नाम है जंगल चट्टी, और ये गौरीकुंड से 3 किलोमीटर आगे है, मतलब 3 किलोमीटर की जर्नी हो गई है। तो मौसम थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, तो मैंने इसीलिए रेन शीटर और थर्मल लाइनर पहन ली है। अभी मैंने खाना भी खाया, चावल दाल सब्जी जो कि 60 रुपये की हाफ प्लेट थी। तो अभी यहाँ से केदारनाथ 10.5 किलोमीटर और। वो जो सामने बर्फ दिख रही है भैया, वही है क्या भैया? उससे आगे है तो यार, उससे आगे है क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर जो है वो उधर ही जा रहे हैं। अब बर्फ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, ये करीब 6 किलोमीटर हो चुका होगा ट्रैक का क्या है, मेरा तो हॉर्स राइडिंग है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ओल्ड पीपल भी हैं, यंग लोग भी हैं। यार मेरा ऐसा सीन है, मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो यार ये भीमबली है, यहाँ पे अगर आप प्राइवेट घोड़ा लाते हो तो यहाँ पे आपको पर्ची कटवानी होती है। तो अभी जो मेरा घोड़ा वाला है वो पर्ची कटवाने गया है। अभी अपने को यहाँ से जाना है ऊपर करके, फिर वहाँ तक भी दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं, बहुत दूर है अभी रास्ता। अब मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा हो गया है, और देखो जैसे ये लंबा रास्ता है तो जो लोग ट्रैकर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। तो मैंने कैप पहन लिया क्योंकि भाई ठंड में प्रोटेक्शन जरूरी है, सुरक्षा अपनी जगह। ये देखो यार, ये सामने बर्फ गिरी हुई है और उसकी खुदाई भी चल रही है, तो हम बर्फ से होके ही जाएंगे। ये देखो वहाँ खुदाई चल रही है। ये देखो यार फॉग कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये थोड़ी देर में पूरे एरिया को कवर कर लेगा। अब हम करीब 10 किलोमीटर कर चुके हैं, देखो पूरा एरिया ही कवर हो गया फॉग से। अभी सब कुछ दिख रहा था, अभी कुछ नहीं दिख रहा, अचानक ही ठंड पड़ गई। अभी भी केदारनाथ यहाँ से 6 किलोमीटर और है। ये देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा, आगे पूरा फॉग आ गया है, बस बारिश ना हो। तो यार अभी क्या है कि मौसम थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, तो मैंने शॉल और कैप लगा लिए थे, और अभी मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है, आई होप ज़्यादा ना हो, पर मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है। ये देखो मौसम धीरे धीरे हल्का हल्का साफ़ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो नदी जैसी दिख रही है वो फ्रोजन रिवर है, बर्फ़ बन चुकी है वो। और अभी 4 किलोमीटर और है केदारनाथ आने में। ऊपर बर्फ़ के नज़ारे एक बार ही देखो आप यार, जैसे जैसे मौसम साफ़ हो रहा है बर्फ़ और ज़्यादा दिखनी शुरू हो रही है। वैसे तो हर जगह ही बर्फ़ है, मतलब आज तो मेरी बर्फ़ देखने की पूरी तमन्ना ही पूरी हो गई है, जितनी भी तमन्ना थी, तमन्ना भाटिया सब पूरी हो गई। अरे ये कुछ ज़्यादा ही नीचे जा रहा है यार, बाकी मौसम अब थोड़ा थोड़ा साफ़ हो गया, थोड़ा क्या बहुत ही साफ हो गया उससे कंपेयर करके, ये स्नोफॉल हुई थी तो इसको हटाया गया है। तो आपको शायद एक सामने रास्ता दिखाई दे रहा होगा, इधर देखो आप, जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी उससे पहले तक यही वाला रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब ट्रेजेडी हुई तो उसके बाद ये रास्ता टूट टूट सा गया है, तो अभी ये रास्ता बंद होके नया रास्ता बनाया गया है, वो रास्ता आप देख रहे हो। अब यार बचे हैं टोटल ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर, और यहाँ से बेस कैंप है 1 किलोमीटर, तो आप समझ लो कि बस अब आने वाला ही है। और ये देखो फ्रोजन रिवर, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो ये है केदारनाथ। तो यार अगर आप घोड़े से आते हो तो आपको 1 किलोमीटर पहले उतार दिया जाता है और कहते हैं यहाँ से अब आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से लेके केदारनाथ तक की जर्नी अब ट्रैकिंग से ही होगी। तो यहाँ पे वापस से बहुत ज़्यादा ही कोहरा हो गया है,
और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो यहाँ पे जगह जगह पे सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो मैं भाई यूज़ कर रहा था, बट ठंड बहुत लग रही है बॉस। हर हर महादेव। अभी ऊपर सब कुछ दिख रहा था, अभी ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। तो यार अभी क्या सीन है कि अभी मौसम अचानक से ख़राब हो गया था, तो हमने एक टेंट ले लिया है। अब बेस कैंप के पास एक टेंट मिला हमें 300 रुपये पर पर्सन, तो दो बंदों का ले लिया है। और शुभम अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और दर्शन का ये सीन है कि अभी बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा है कल दर्शन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं, रजाई और शुभम का इंतज़ार। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। कल क्या हुआ था, कल मौसम ख़राब हो गया था और मैं सो भी गया था जल्दी, और उसके बाद शुभम आया 8:30 बजे के करीब। वो मेरा वेट कर रहा था नीचे। और अभी सुबह हो गई है, 5:30 बज रहे हैं। सुबह के नज़ारे देखो, ये सारे जो टेंट लगे हुए हैं, हम इनमें ही एक किसी टेंट में सो रहे थे। बेस कैंप से 300 रुपये पर बेड का किराया लगा था, उसके बाद फिर वहाँ पर दो बेड हमने लिया था, दो रजाई भी मिल गई थी, तकिया नहीं मिला था, पर कोई नहीं। तो अभी सारे लोग आने शुरू हो गए और हेलीकॉप्टर भी आना शुरू हो गया। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले जो मैंने बताया था वो रास्ता था, देखो वो रास्ता आते आते बीच में पूरा टूट सा गया है। वो तब हुआ था जब केदारनाथ में फ्लड आया था, जो मतलब आप समझ लो वो जो रिवर है, जो कि वहाँ एकदम छोटी सी लग रही है, वो इतने उफान पे थी कि वहाँ तक का रास्ता काट दिया था। इनफैक्ट वहाँ तक का रास्ता कटा हुआ है, मतलब पानी का लेवल वहाँ तक था। आप सोचो कि पानी कितने उफान पे थी और कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी। ये सारे सुलभ शौचालय हैं, जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग बने हुए हैं। आप देखो पहाड़ पे बर्फ़ है, अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा पहाड़। और इस साइड अगर आप देखोगे तो ये पूरा पहाड़ ही बर्फ़ से ढका हुआ। ये बेसिकली बेस कैंप है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर और है केदारनाथ। तो अभी हमें ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे देखो लोग भीड़ लगा के रखे हैं सुलभ शौचालय के लिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी वानी भी मिल रहा है, बस ठंडा है, गर्म पानी की उम्मीद मत करना। तो ये देखो यार, ये कैंप की एंट्री है, इस तरह से बेड लगे हुए होते हैं। और ये शुभम सो रहा है, मेरा बैग वहाँ पे पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे हट भी मिल जाता है आपको, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो वापस से यात्रा स्टार्ट हो गई है, और अभी सारे लोग ज़्यादातर जाने वाले हैं, कुछ लोग ही हैं जो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। जो भी यहाँ खाने वाने की ज़रूरत होती है वो घोड़े पे ही लाया जाता है। देखो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो चबूतरा सा बना हुआ है, ये बेसिकली हेलीपैड है। जो भी लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से वो यहाँ उतरते हैं, और उसके बाद यहाँ से दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं। यहाँ से 1/2 किलोमीटर होगा। तो यार एक रास्ता ये इधर जा रहा है केदारनाथ धाम हाट बाज़ार का, और मंदिर का रास्ता इस साइड से है। और वहाँ आप देखोगे तो छोटी सी लाइन भी लगी हुई है, अब छोटी सी या बड़ी सी है वहाँ से जाके पता चलेगा। यहाँ पे नहाने की भी जगह बनी हुई है, कुछ लोग नहा भी रहे हैं, पर पानी यार बहुत ठंडा होगा। देखो ये जो पूरी लंबी लाइन देख रहे हो, ये दर्शन के लिए है। और हल्की हल्की धूप भी निकल गई है अब। तो अभी मैंने एक प्रसाद का एक झोला लिया, वो ले रखा है, और इसमें इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें ATM भी है, जो कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है भोलेनाथ से। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल, इट वेरी रिस्की टू हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद भोलेनाथ, इन रिटर्न यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये अभी कुछ 250 रुपये का ये झोला, और इसके साथ ATM, बाकी 50 रुपये का प्रसाद एक्स्ट्रा। इसमें मेरे ख्याल से गंगा जल है, चुनरी है, एक बेलपत्र है, और दो चार लड्डू हैं, और जनेऊ भी है, चार लड्डू भी है इसमें। दिस इज़ अ टोकन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम आर साइड टू भोलेनाथ। तो यार हम लोग वहाँ खड़े थे और अभी यहाँ आ चुके हैं, और आते आते हमारे साथ एक हमारे फ्रेंड भी बन गए। अभी आपका नाम? माय नेम इज़ अरुण। अरुण, एंड ही इज़ फ्रॉम गढ़ मुक्तेश्वर। आई एम फ्रॉम मेरठ। अच्छा, इज़ फ्रॉम मेरठ। आई एम वर्किंग इन नैनीताल। अच्छा, तो ये इन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि आप आओ। डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ लोकेशंस ओवर हियर, एंड देयर आर फ्यू बेसिक लोकेशंस लाइक मुक्तेश्वर एंड अ कॉर्नर विद 9 lakes एंड अ हिडन वर्ल्ड। सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दोस प्लेसेस विद हिम। तो यार ये सामने मंदिर है, अभी टेंट की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
लेकिन खुली आंखों से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यार ये देखो, ये लाइन लगी पड़ी है दर्शन के लिए, और यहाँ पे जूते उतार रहे हैं सारे, और कैमरा वगैरह भी यहीं पे रख दे रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अंदर अलाउड नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपको दर्शन करने के बाद। तो यार अभी दर्शन हो गया है और मंदिर ऐसा दिख रहा है धूप निकलने के बाद। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो यार ये देख लो, ये जो पूरा है यहाँ से मंदाकिनी निकलती है, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये जो आप पत्थर देख रहे हो, इसी पत्थर से पानी टकराया था और पानी इसको टच नहीं कर पाया था, तो इस साइड से व्यू कुछ इस तरह का यार। और ये देख लो, यहाँ तीन साइड से पानी आई थी, एक इस साइड से, एक सामने से और एक इस साइड से, इस पत्थर से टकरा के पानी फिर यहाँ पे डाइवर्ज हो गई थी। तो यार ये देख लो, साइड से व्यू कुछ इस तरह का है, यहाँ से एग्जिट होता है और उधर से एंट्री। तो अभी फ़िलहाल दर्शन हो गया है और देखो चंदन वगैरह लगाया था ऊपर, तो कुछ इस तरह से दिख रहा हूँ मैं। और बाकी वो जो मैंने पत्थर दिखाया जिसके कारण डाइवर्ज हुई थी नदी, उसको भीमशिला कहते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ जो कि मेरे अभी फ़िलहाल बने हैं, तो ये सारे मेरे दोस्त बन गए अभी। अभी अपना इंट्रोडक्शन। हाय, दिस इज अरुण कुमार फ्रॉम नैनीताल, राइट नाउ वॉकिंग ओवर देयर। भाई से रास्ते में मिले, बिछड़ गए थे, बट इट्स अ गुड टाइम ओवर हियर। रास्ते में ट्रैक डाउन, वापस नीचे करेंगे। वाइब्स आ रही है यहां पे डेफिनेटली, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, यही है जो कुछ है। Hi guys, myself Suri Vikram Singh Rathore. We are friends. We are working in the same school, GD Goenka, Nokuchiyatal. Acha. Sare myself, my name is Amit Patrubedi. I am from Lucknow. We are friends. Acha. Ha. Hum log साथ में मिले भैया को, हमें बड़ा अच्छा आनंद दिया। खो जाने के बाद मिले हम। हाँ, दर्शन भी हमने बहुत विशाल किए, साथ ही में किए, काफी खो से गए थे। बहुत मैं आगे आ गया था, ये पीछे रह गए थे। कोई नहीं थे, यही दोनों बंदे थे, ये जो ये है और एक ये जो कैमरामैन दोनों साहब, ये खोए हुए थे हमारे दोस्त, ये खोए हुए थे, दोनों पहले पहुंच गए, हम पहले में आए हुए थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन भाटी, फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अच्छा, आप सारे टीचर हो? हां, टीचर हैं। तो देखो यार, सारे टीचर हमें मिल गए यहाँ पे, तो आप देखना ये वीडियो, ठीक है? बाकी दर्शन अच्छे से हुए, काफी बहुत विशाल हुए, बहुत विशाल, बहुत अच्छे से हुआ। आप लोग भी आओ, दर्शन करो। रास्ता इतना वाकई डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, लेकिन वेदर्स अल्टीमेट चेंज होते रहते हैं। आप मतलब ये नहीं कह सकते अभी धूप है तो क्या है, रास्ते में धूप भी मिली, छाव मिला, बरसात मिली। आप ये देखो, जबरदस्त ठंड, मैंने रेनकोट भी पहना है और मैंने शॉल भी पहना है। अभी इतनी ज्यादा ठंडी थी, अभी थोड़ी देर पहले हम सब जैकेट वगैरह सब पहन रखे थे, अभी सब नॉर्मल हो गया, अच्छी खासी धूप हो गई है। वेदर आप एंजॉय कर सकते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हैं, आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, आप पहले भी आए थे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस है, टॉप क्लास का है। डिफिकल्टीज जरूर है रास्ते में, लेकिन उतना ही ज्यादा। लेकिन पहले 2013 में ऐसा नहीं था। आप आए थे पहले? पहले आया था, जब यहाँ पे ये पहले आए थे, ये बताएंगे पहले कैसा था। 2013 में बहुत छोटा रास्ता था, 14 किलोमीटर का रास्ता था, और यहाँ से सीधा रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब इतना हाई बना दिया है, तो वो डिफिकल्ट नहीं था, वो डिफिकल्ट नहीं था, बहुत नॉर्मल था, लेकिन अब 21 किलोमीटर का बहुत ऊंचाई से बना दिया है। अच्छा अच्छा, और बहुत चेंज हो गया, जो पहले यहाँ था सब बदल गया। वैसे चेंज ही संसार का नियम है, अब तो मोदी जी ने चेंज कर ही दिया था, सब चीज चेंज ही हो गया। मोदी जी के वक्त आप भी लग रहे हो फिलहाल। दोबारा नमो नमो, ठीक है। तो यार ये आप देखो, ये कहते हैं इसको भीमशिला, और ये देखो तो अगर बहुत छोटा सा है और इसने इतना बड़ा मंदिर बचा लिया इतनी बड़ी ट्रेजेडी से।
तो इसको ही कहते हैं भीमशिला, लोग इसकी भी पूजा करते हैं। ये पत्थर ऊपर से आके गिरा था, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये पहले पहाड़ हुआ करता था पर पूरा टूट गया है जब ट्रेजिडी हुई थी। ये वो लोग बता रहे हैं जो पहले आए थे 2013 से पहले, वो लोग सब बता रहे हैं ये बातें। बाकी देखो बर्फ कितनी है यार, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फोटो चिपका रखा है कि जो भी यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए वो उन्होंने अपना ऐसा बता रखा है कि देखो हम आए हुए हैं। पर ये तो बारिश होगी तो एक बार में गिर जाएगा यार, मुझे नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जो मिसिंग थे उस टाइम उनकी फोटोज है, या फिर कुछ लोग अगर आए हैं यहाँ देखने के लिए उनकी फोटोज है। पता नहीं, दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, शायद ये मिसिंग हो सकते हैं जो ट्रेजिडी में नहीं मिले थे, या तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग देखने आए थे अभी देखने आए हैं उन्होंने चिपका रखा है। क्योंकि बारिश अगर होगी तो फिर तो ये निकल जाएगा, बर्फ आएगी तो ये तो निकल जाएगा, तो मिसिंग का तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, पता नहीं। तो यार आप ये छोटा सा देख रहे हो गुफा, यहाँ पे मोदी जी रुके हुए थे और 72 आवर्स के लिए रुके हुए थे यहाँ पे। तो यार यहाँ पे सब कुछ दर्शन वगैरह करके अब गर्मी बढ़ भी गई है और टाइम अभी हो गया है 9 बजने वाले हैं, तो अभी हमें करीब 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग और करनी है, तो वापस भी चलना है। तो अभी फ़िलहाल तो वापस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो यार अब यहाँ से निकल चुके हैं हम और दो ग्रुप बन चुका है, एक फास्ट ग्रुप एक स्लो ग्रुप। मैं ऑब्वियसली स्लो ग्रुप में हूँ तो हम लोग आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत प्यार से चलेंगे जैसे हम लोग चलते आए हैं। खरगोश और कछुए की तो आपने कहानी सुनी ही होगी, कछुआ जीतता और हमेशा कछुआ जीतता, और कल भी अक्कल भी हम ही दोनों भाई लोग जीते हैं, क्योंकि यार ये लोग भग भग के चले जाते हैं सांस फूलती है इसीलिए आराम आराम से चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द गेम। देखो यार अब भीड़ कितनी हो गई है, अच्छा क्या हमने सुबह सुबह दर्शन कर लिया, और ऑब्वियसली यार भाई लोग के कारण हम थोड़ा आगे भी आ गए थे। तो यार अभी हम लोग जा रहे थे, अचानक से पता चला कि एक बंदा वहाँ पे फंस गया है, आपको कैमरे में दिखेगा नहीं पर जो मेरा उंगली है इसके जस्ट सामने वो ऊपर से आ रहा था, ऊपर से नीचे आके गिर गया, वहाँ फंसा हुआ है अभी, पता नहीं वो शायद नीचे धीरे धीरे करके नीचे आएगा, वो बंदा अभी भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो जो आप एकदम लास्ट में पहाड़ देख रहे हो अभी उसके पीछे जाना है क्योंकि वहाँ मेरी बाइक लगी हुई है, वहाँ जाएंगे, वहाँ से बाइक उठाएंगे और वापस जाएंगे शायद दिल्ली। सोचा था बद्रीनाथ पर बहुत डिले हो गया, और आपको बताया मेरा लद्दाख का प्लान है तो मैं लद्दाख में डिले नहीं कर सकता, तो अगली बार कभी और बद्रीनाथ करेंगे। चढ़ने में मेरी फट के 4 हो रही थी लेकिन उतरना बहुत इजी है। आप यहाँ देखो गौरीकुंड यहाँ से 13.5 किलोमीटर है, मतलब कि हमने 2.5 किलोमीटर कर लिया, पता भी चला जे बात। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार अब तो दर्शन हो गए अब व्लॉग स्किप कर देते हैं, तो स्किप जो करेगा यार उसको ड्रोन शॉट मिस हो जाएगा, क्योंकि आते वक्त मैं ड्रोन शॉट नहीं ले पाया था, जाते वक्त भर भर के लेंगे। देखो ट्रैकिंग एक आर्ट है और उसमें तुम्हारा भाई स्मार्ट है, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता छोड़ के हम जा रहे हैं शॉर्टकट से। तो यार आप देखो ये रास्ता इधर से होके उधर से जा रहा है, पर हम करेंगे शॉर्टकट ट्राई जो कि ये सीधा पहुंचा देगा वहाँ पे। एकदम आराम आराम से चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सेफ पहुंचना है। तो ये देख लो यार अभी अपने को इधर से जाना है, फिर ऐसे करते करते ऊपर की चढ़ाई करनी है, तो सारा रास्ता उधर वाला बच जाएगा। तो यार आपको उस टाइम समझ नहीं आया होगा वो जो नदी आप नीचे देख रहे हो वो नदी वहाँ तक थी, आप समझ लो पानी कितना, ये सब पूरा पानी में जलमग्न था, सब कुछ पूरा पानी पानी में था। तो ये पूरा बर्फ़ है, यहाँ से पिघल पिघल के पानी जा रहा है और पानी वहाँ मिल रहा है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वो पानी वहाँ और वहाँ कितना डिफरेंस है भाई। और मैं अपना शक्ल दिखाऊँ तो मेरी बैंड बच चुकी है, पर कोई बात नहीं, भोलेनाथ सबके साथ। तो यार ये बर्फ़ होता है और एक इसको ब्लैक आइस कहते हैं बेसिकली, और ये बहुत स्लिपरी होता है, तो आप अगर इस पर कभी चलो तो बहुत ही आराम आराम से चलना, क्योंकि अगर एक बार स्लिप करोगे तो फिर रुकोगे नहीं, फिर स्लिप करते ही जाओगे। ये मुझे एक्सपीरियंस ओली में हुआ था, और बेस्ट है कि अपने साथ एक डंडा रख लो, सपोर्ट लेते हुए चलो। तो यार ये देखो हम वहाँ से चढ़ते हुए यहाँ आए, और अब ये मेन रास्ता बन गया, हमने शॉर्टकट मारा क्योंकि रास्ता मेन उधर का था, हमने छोटा रास्ता लिया। और ये देखो नदी आप ऊपर तक देख रहे हो पूरा कटाव, वो ट्रेजिडी में ही हुआ है, बहुत पानी था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये इधर तो पूरा पानी आ गया होगा, ये पूरा पानी था बॉस।
तो यार अभी ऐसे ही बैठ के बातें कर रहा था, बात करते करते पता चला भाई ने मेरी वीडियो देखी है और भाई गाजियाबाद से। आप यहाँ दर्शन करने आए हो? जी भाई। अच्छे से हो गया? बिल्कुल। हर हर महादेव। जय शंभू, जय भोलेनाथ। और बाकी ये बंदा यहाँ बैठा है दगाबाज, दगाबाज ये देखो खुद पीछे रह जाता है हर कहीं। तो यार हम लोग वापस से अब निकल पड़े हैं गौरीकुंड के लिए, और जो लोग हमारे पीछे रह गए थे वो भी मिल गए। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता और है। इसमें क्या होता है ना यार कि घोड़े भी आते होते हैं, जाते भी होते हैं, लोग भी जाते हैं, तो टकराने का डर होता है। आराम आराम से चलना पड़ता है। तो यार देखो ये रास्ता था और हमने शॉर्टकट लिया, फिर इधर से जल्दी पहुंच गए। अभी 11 बज चुके हैं, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी करीब 9 बजे। 9 बजे करी थी हमने? 9:30 के आसपास। मेरा फ्रिज भी इतना ठंडा नहीं कर पाता जितना ठंडा ये पानी है। आपको हर जगह ऐसे पानी मिल जाता है, तो पानी कैरी मत करना, ऐसे ही पानी मिलता जाएगा। तो यार अभी 11:30 से ज़्यादा हो गया है और मुझे लगा था कि 7-8 किलोमीटर रह रहा होगा, पर अभी यहाँ से 9 किलोमीटर और है। तो यार देखो वहाँ से थे हम और धीरे धीरे होते हुए इधर से शॉर्टकट मारते हुए यहाँ आए, और अभी आगे और जाना है। इजी था यार, मैं बेकार ही उस पर चल रहा था, डायरेक्ट जूते रख सकता था नीचे। यहाँ पे यार मेरे ख्याल से कुछ खाने का मिलेगा, खाने का तो कम, मैं जूस ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, देखते हैं चल के। तो यार यहाँ माजा मिल गया है, पर यही है रेट डबल मिलते हैं यहाँ, 35 का 70, 20 का 40, 100 के 200। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, इसको पिया जाए अभी। कल तो ऐसा था कि घोड़े पे थे तो बर्फ़ को टच नहीं करा था। ये देखो यार बर्फ़ कैसी सी होती है, एकदम ऐसा सा बना हुआ है। ये ऐसे ही पूरा ऊपर बना हुआ है। ये शॉर्टकट यार कुछ ज़्यादा ही रिस्की हो गया। ये ऊपर देखो, वहाँ से वहाँ तक, वो जो आप रास्ता देख रहे हो पहले ऐसे करके सीधा चला जाता था, लेकिन अब यहाँ से कट गया है और इस पहाड़ी से होके जाता रहा, तो इसी जगह को कहते हैं रामबाड़ा। यार आप एक बारी आवाज़ सुनो पानी की और फ्लो देखो। और अब थोड़ी सी चढ़ाई करनी है। तो यार ये वही जगह जब हम घोड़े से आ रहे थे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। बाकी ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 6 किलोमीटर बस रह रहा है, मैं बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग मैंने कर ली। तो यार यहाँ मुझे अभी झरना दिखा है काफ़ी प्यारा सा, ये देखो कितने ऊपर से आ रहा है और सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कितने नीचे जा रहा है। अभी तक के ट्रैक में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, बढ़िया है पैदल चलो, जितने के घोड़े के पैसे दोगे के आधे में तो तुम खाना खा खा के ऊपर चले जाओगे। यार मैंने सोचा था कि बिना नमक खाए ऊपर जाऊंगा, उसके बाद पूजा होगी, प्लान फेल हो गया। तो यार ये जगह का नाम है जंगल चट्टी, और यहाँ से केदारनाथ है 12 किलोमीटर और गौरीकुंड है 4 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से मैं 2 घंटे में कर लूँगा, क्योंकि मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर कर रहा हूँ बस आराम आराम से। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर और है गौरीकुंड, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो खाने पीने के रेट वैसे वैसे धीरे धीरे घटते जाते हैं। ऊपर मजा 70 का था, यहाँ 60 का है, गौरीकुंड में 50 का है। और तुम्हारे भाई की बैंड बज चुकी है, और ये सब जो दाग देख रहे हो माजा माजा। तो यार अब 0.5 किलोमीटर बचा हुआ है, अबाउट टू एंड दिस ट्रैकिंग। बाकी ये वीडियो यहीं तक की थी यार, ख़त्म ही होने वाला है ट्रैकिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर वीडियो पूरी देखी है, ऐसा कहा जाता है कि जिसने चढ़ाई नहीं करी, दर्शन नहीं किए और अजय व्लॉग का वीडियो देख लिया तो आधे तो यार पुण्य ऐसे ही मिल जाएंगे, और अगर सब्सक्राइब कर ले तो पूरे ही मिल जाने। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी पूछना हो तो आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे बात करते हैं या फिर कमेंट छोड़ देना, मैं ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
जो जाने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ, या फिर जो नहीं जा पा रहे हैं उनको दिखाओ। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में ऐसे किसी ट्रैकिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।